या दोस्तों अपनी दोनों गाड़ियाँ निकल गई। हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबको प्यारी सी गुड आफ्टरनून। दोस्तों दोपहर के 2 बज रहे हैं और प्यारी सी जय श्री राम। और दोस्तों आपका भाई आ चुका है सिल्लीगुड़ी। दोस्तों हम सिल्लीगुड़ी हैं पूरी रात भर में। दोस्तों कल मतलब दिन में निकले थे दोस्तों, हम 9 बजे के निकले थे और सुबह 5:30 बजे पहुँच गए दोस्तों सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी आगे हम खड़ी कर दी हमने गाड़ी। दोस्तों ये देखो सामने होटल है और सब काम कर रहे हैं। भाई ने भी पूरी गाड़ी चमका दी है दोस्तों, पूरी गाड़ी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। और हम भी दोस्तों चेक करते हैं, एक बार ट्रॉली को चेक करते हैं। कल ना दोस्तों रात को गड्ढों में, बहुत गहरे गड्ढों में गाड़ी चली है, तो एक बार ट्रॉली चेक कर लेते हैं अपनी। ट्रॉली के मतलब ये बैलेंस राड हो जाती है, कमानी हो जाती है, इनको चेक कर लेते हैं। आ जाओ एक बार, और माल भी चेक कर लो, एकदम ओके है। कल को पहुँच जाते हैं दोस्तों हम गुवाहाटी पर, हम पहुँच नहीं पाएंगे इसलिए आज आराम किया है। जस्ट अभी उठाऊँ मैं दोस्तों, सो गए, नहा धो के आ गया। और देखो ये दोस्तों, ये अपनी बैलेंस राड हो जाती है, ये बीच वाली है ना, ये बैलेंस राड है। कमानी के पट्टे भी चेक कर लेते हैं कि सारे ठीक हैं। तो ब्रेक मिलाने थे गाड़ी के, पर ब्रेक मैं खाली करके मिलाऊंगा गाड़ी को। जब खाली कर देंगे ना तब मिलाएंगे ब्रेक। कल को खाली रहती है दोस्तों हमारी गाड़ी, पर वही है कि ये बंगाल में हम दिन में नहीं चल सकते ना दोस्तों। सब सारी गाड़ियाँ रात को ही चलेंगी बंगाल में दिन में चलना बहुत हार्ड है, और वो बताऊँगा क्यों हार्ड है दिन में। ट्रॉली तो एकदम ओके है दोस्तों। ये देखो ना, ये थोड़ी जोड़ में थोड़ी वेल्डिंग थोड़ी दिक्कत है, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर एंड पे ना दोस्तों मिस्त्री ये जो बनाते हैं ट्रॉली, एंड में बढ़िया करके नहीं देते यार शेप गाड़ी को, एंड में कमजोरी दे देते हैं। देखो ये कमजोरी होगी, पर ये जो लगा रखा है ये बहुत तगड़ी चीज़ लगा रखी है। ठीक है दोस्तों, बाहर निकलते हैं ट्रॉली से। ये देखो दोस्तों सारी शाम को जाएंगी गाड़ियाँ, ये अंदर चलते हैं और फिर बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे हमारा सफर रहने वाला है। उत्तम भाई कर रहे हैं दोस्तों गाड़ी साफ, बिल्कुल चमका दे, एक बिल्कुल टंच कर दिया लौंडे। उत्तम भाई दोस्तों गाड़ी चमका रहे हैं, बेटे स्माइल पास कर रही है दोस्तों। वहाँ लौंडे खड़ी है, देख रहा है, लड़की ताड़ रहा है दोस्तों। ये गाड़ी थोड़ी ना साफ कर रहा है, लड़की ताड़ रहा है। और मौसम भी बड़ा ठीक है दोस्तों। कल रात को दोस्तों बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, भयंकर मज़ा आया रात को। मतलब चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर, दिखाते हैं। लौंडे ने सारी चमका रखी गाड़ी। तो अब आपके भाई का सफ़र बताता हूँ कैसे कैसे रहने वाला है। अब दोस्तों हमारा सफ़र है कम से कम आप 460 किलोमीटर लगा लो दोस्तों गुवाहाटी यहाँ से। और हमारा दोस्तों खन्नापाड़ा का माल है, खन्नापाड़ा जाएगी ऊपर पहाड़ी पे बर्नीहाट। तो देखते हैं, अभी पार्टी वाले से हमारी कोई बात नहीं है, कल को करेंगे बात बॉर्डर पर जाके। हमारे दोस्तों आगे 2 बॉर्डर आ जाते हैं, और एक बारा बॉर्डर हो जाता है, एक श्रीरामपुर बॉर्डर हो जाता है। तो श्रीरामपुर बॉर्डर जाके हम पार्टी वाले से बात करेंगे, और आज रात को निकलेंगे दोस्तों। और रात को, क्योंकि यहाँ से दिन में नहीं निकलेंगे दोस्तों, शाम को निकलेंगे। और दोस्तों आपको रात को दिखाएंगे हम जंगल, और वो जंगल का दोस्तों हिस्ट्री है, हस्सी वाला जंगल है दोस्तों। उस जंगल की हिस्ट्री बहुत खतरनाक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बंगाल में चलने के लिए ना आपके पास डंडा टैक्स होना चाहिए, अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, और प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, प्रेशर हॉर्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों बंगाल में, अगर आपको बिना पैसों के जान चलना है तो। पर तब भी चलान काट ही देते हैं दोस्तों, बस यही है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना। और ये देखो दोस्तों सामने, अभी वीर जी अपने पता क्या कर रहे हैं दोस्तों। वीर जी ने दोस्तों बहुत पूरी साफ कर दी अपनी गाड़ी, बहुत मेहनती होते हैं दोस्तों वीर जी अपने। सिद्धू मूसेवाला दी फोटो लगी हुई है देखो दोस्तों, वहाँ मम्मा के साथ फोटो लगी हुई है। और देखो एसी में है ट्रक दोस्तों, पूरा देखो पूरा एक पार्ट चमका के रखते हैं गाड़ी का, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। अभी वो वायरिंग चेक कर रहे हैं, देखो लाइट जल्दी है ना, वायरिंग सेट कर रहे हैं, मतलब वायरिंग उनकी जल नहीं रही होगी तो वो यहाँ के सेट कर रहे हैं पूरी वायरिंग। देखो वाइट पूरी लाइटें चला रखी हैं गाड़ी, तो वायरिंग सेट कर रहे हैं। और दोस्तों कल का जो हमारा, कल आप दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, कल हम सुबह 9 बजे के चले हुए थे और सुबह 5:30 बजे यहाँ आए, यहाँ के ये तो सो गया था 3 बजे रात को। और भाई मैं सुबह 5:30 बजे आया, एक पीछे आए, और उसके बाद खराटे मार के सो गया। सोने के बाद फिर उठा, नहाया धोया, रोटी खाई और फिर सो गया था। फिर अब उठने के बाद तो दोस्तों फिर मतलब कल का जो हमारा रूट का सफ़र रहा दोस्तों, हम चले थे तमकुई राज मैप पे डालना, और डालना सिल्लीगुड़ी कितना है मैप पे, 625 किलोमीटर आ रहा है, पर गाड़ी चली है दोस्तों 720 किलोमीटर। ठीक है 720 किलोमीटर गाड़ी चलाई है कल पे 24 घंटे में हमने, हमारा 24 घंटे का सफ़र में कटी है गाड़ी। 24 घंटे क्या लगा लो दोस्तों, 9 बजे चले थे, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 15 तो ये हो गया, 15 और 5 कितने हो गए, 15 और 5 20, 20 घंटे में 200, 20 घंटे में हमारी गाड़ी 200 साढ़े 700 किलोमीटर चली है कल, और उसके बाद आके अब सो गए थे। अब हमारे आगे 450 किलोमीटर का सफ़र है गुवाहाटी तक का, और हम पहुँचेंगे 200 परसों, मतलब आराम आराम से जाएंगे। और फिर देखते हैं 200 कितने कैसे क्या कैसे कैसे खाली होती है, वो तो आपको वहीं जाके मिलेगा। और दोस्तों आगे आने वाला है हस्सी मारा का जंगल, 200 हस्सी मारा जंगल की हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। पुराने ड्राइवरों से अगर बैठ के किस दिन पुराने ड्राइवरों के बीच में तो मैं पूछूंगा दोस्तों ना, जब हम मतलब हस्सी मारा के जंगल में चलते हैं ना, चलते थे ना पहले हम, देखो दोस्तों मैंने भी नहीं देखा वो टाइम, मैंने भी नहीं देखा टाइम, पर जो मेरे गुरु थे वो बताते थे कि भाई दिन में भी लाइट लगा के गाड़ी चलानी पड़ती थी हस्सी मारा जंगल में, मतलब सुबह से शाम तक ही गाड़ी चलती थी, शाम को भी बोलते थे कि शाम को भी नहीं चलती थी, मतलब 4 बजे सारी गाड़ी साइड में लग जाती थी। और वहाँ के जो वो रहते हैं मतलब क्या बोलते हैं नक्सलिया नहीं दोस्तों, उन्हें बोलते हैं वो तीर कलाम पे पत्थर पुत्थर मारते थे। और दोस्तों ये सीन ना उड़ीसा में भी था ऐसा सीन दोस्तों, बहुत ही प्यारी प्यारी हिस्ट्री है यहाँ की, मतलब खुद ही सोचो ना, सुबह की निकली हुई गाड़ी सिलीगुड़ी से वो भयंकर अंधेरा आया जंगल, क्या खूब मज़ा आता था दोस्तों उस समय की। मैं तो गाड़ी चलाने मतलब डर के आगे जीता है, मज़ा तो आता ही था दोस्तों, मज़ा भी तो आता है हिस्ट्री में, मज़ा आता है कि भाई सुनने में कि भाई देखो हमारे को तो पता है भाई वो मज़े, तो हमें तो लगता ही है कि मज़ा है, पर वो ड्राइवरों को पता है कि भाई उन्होंने कैसे काटे हैं वो टाइम तो भाई। और दोस्तों अभी तो फिर निकलेंगे शाम को ही, आपको दिखाऊंगा वो जंगल रात में, जो देखो कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे फुटेज दिखाने के, अगर नहीं दिखेगा तो आते हुए दिखाऊंगा, कोशिश रहेगी देखो दोस्तों, को सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ मैं, बाकी हिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है कि क्या कैसे कैसे सीन रहे। और अभी तो देखो दोस्तों सारी गाड़ियाँ यहीं खड़ी हैं, जब चलेंगी तो इन्हीं के पीछे पीछे निकलेंगे, और फिर कहाँ रोकेंगे वो भी कुछ पता नहीं, देखेंगे कहाँ रोकनी चाहिए गाड़ी, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक चलाते रहेंगे। अब तो खैर सफ़र में भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों सफ़र कम है हमारे आगे, ठीक है दोस्तों। अब चलने रात के टाइम मिलेंगे, जब चलेंगे शाम को चलेंगे तो मिलेंगे। अभी लौंडा भी देखो फिर यहाँ से उठा दिया दोस्तों, सफाई में लग गया, ठीक है दोस्तों अब चलने के टाइम पर मिलेंगे। दोस्तों वीर जी की गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रही है बैटरी है, एक और गाड़ी है और वो अभी यहाँ बैक लगाएंगे गाड़ी, उसके बगल से पावर लेंगे। और ये देखो दोस्तों कर दिया भाई दोस्तों, कार की भी गाड़ी स्टार्ट, 3 घोड़े हो गए अपने, और ये निकल गई हैं दोस्तों अपनी दोनों गाड़ियां निकल गई हैं भाई, ये जा रहे हैं, हम भी चलते हैं अब, चलो हम भी प्रेशर बना लेते हैं दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करके, रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा, जय श्री राम जय भोले बाबा। तो शाम हो गया सबको, प्यारी सी जय श्री राम और प्यारी सी गुड इवनिंग। और दोस्तों आपका भाई लेके निकल गया अपना ट्राला, ट्राला लेके निकल रहे हैं दोस्तों अपना, मुंडा कर दा के नट, ये दोस्तों एक हैंड ब्रेक लग रहे हैं अभी, थोड़े थोड़े गाड़ी के ब्रेक लग रहे हैं, लग नहीं रहे हैं मतलब प्रेशर की, वो उसकी फ्री टायर उठाया ना मैंने। देखो भी जा रही है गाड़ियाँ, अब इनके पीछे ही चल देंगे, 6 बज गए हैं दोस्तों, जय श्री राम का नाम लेके चल देते हैं। सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम। ये देखो सारी गाड़ियां निकल ली दोस्तों, शाम होगी ना। और दोस्तों पहले ना ये रोड बिल्कुल सिंगल था, पता है चलती चलती गाड़ियों से ना दोस्तों माल चोरी हो जाता था, चलती गाड़ी से माल कट जाता था भयंकर, कहीं 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 टन। और दोस्तों ये जो पूरा रोड है 180 किलोमीटर का है, यहाँ से 180 किलोमीटर पे आपको 4 लाइन मिलती थी, मतलब पहले 180 किलोमीटर चलने के बाद आपको 4 लाइन मिलती थी, ये सिंगल रोड हुआ करता था पूरा, और गड्ढे ही गड्ढे हुआ करते थे, गड्ढे कम से कम 90 किलोमीटर तक दोस्तों गड्ढे ही गड्ढे थे इसमें। और ये अब तो काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों इस रोड को कम्प्लीट हुए हैं। देखो दोस्तों ये जा रहा है बलगर, अरे बलगर वाले भैया कैसे जा रहे हो भैया, अरे नया बलगर लेके जा रहे हो भैया। तो दोस्तों वो जो अभी वो जो ड्राइवर गया ना दोस्तों 22 टायर लेके, चोटी बांध रखी भाई साहब ने, और पता नहीं क्या बोल के गया दोस्तों, एटीट्यूड दिखा रहा था दोस्तों आपके भाई को, एटीट्यूड आपके भाई को एटीट्यूड दिखा रहा दोस्तों, एटीट्यूड क्या फायदा 2 दिन की जिंदगी। फाइनली दोस्तों शाम को रोकी है, टायर चेक कर रहे हैं,
फाइनली दोस्तों आपका भाई निकल रहा है वो गाड़ी लेके। टायर टूर चेक कर लिया हमने। ठीक है दोस्तों अब आगे मिलेंगे हम काफू कहीं भाई में भी चढ़ गया है दोस्तों आपका भाई। अब मिलता हूँ मैं आपको आगे क्योंकि रात भी हो रही है ना दोस्तों। भाई लाल बत्ती हो गया दोस्तों और बंगाल में दोस्तों बैरियर बहुत मिलेंगे आपको, ये बैरियर देखो। चलो दोस्तों एक एक चाय पी ली जाए, रुक के यहाँ टोल टैक्स पे और फिर गेयर मारेंगे अपना। और भाई उतर के टायर चेक कर लिए हैं, देख लो दोस्तों गाड़ी उतर के टायर चेक कर लिए हैं, वो देखो टायर चेक करा लौंडा। और अब चल रहे हैं दोस्तों चाय पी के आते हैं एक कप और फिर निकलेंगे अपने सफ़र के लिए। तो दोस्तों निकल रहे हैं भाई आपका चाय पानी, चाय पी ली अभी, चाय पी के निकल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आप बंगाल में ना टोल टैक्स में भी एक के पास भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, चलान कर देते हैं दोस्तों, ना रोड के साइड में लगा सकते गाड़ी। अगर रोड के रोड पे फोर लाइन है ना उसके साइड में भी जगह हो तो वहाँ भी नहीं लगा सकते, यहाँ के रूल्स बहुत तगड़े हैं दोस्तों। और अभी दोस्तों हमें 100 किलोमीटर कम से कम चलना है और 60 किलोमीटर पे 60-70 किलोमीटर पे जंगल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, अलीपुरद्वार का हस्सीमारा का जंगल बोलते हैं दोस्तों से, वो दिखाऊंगा मैं आपको। रात में दिखने का तो कुछ है नहीं पर हाँ कि ये है कि जंगल दिख जाएगा, रोड देखना वहाँ की। सिंगल रोड थी भाई दोस्तों जब मैं चलाता था गाड़ी, अब फोर लाइन होगी तो पता नहीं, काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ ना दोस्तों मैं, डेढ़ साल बाद ही आ रहा हूँ मैं, डेढ़ दो साल बाद। रास्ते की तो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता तो पूरा पता है हमें, अब ये देखेंगे कि जंगल। वैसे मेरे हिसाब से सिंगल रोड ही होगी दोस्तों, फोर लाइन तो मुश्किल ही है यार। लाइट है दोस्तों, लाइट है कैसे होगी। बंगाल का जो सिस्टम है ना दोस्तों बहुत हार्ड सिस्टम है, मतलब अभी जब बॉर्डर पार करेंगे दोस्तों वहाँ कांटा होगा, कांटे में दोस्तों आपके 300 रुपये लगते हैं और आपके पास अगर डंडा टैक्स नहीं होगा तो भाई गाड़ी बंद भी कर देते हैं वो, तो डंडा टैक्स होना ज़रूरी है। हमारा भी है, हमारे पास है डंडा टैक्स दोस्तों, आपके भाई के पास है डंडा टैक्स, हमारा जून तक है डंडा टैक्स, उसके बाद फिर कटवाएंगे। 11,000 रुपये कटता है दोस्तों डंडा टैक्स, अगर 11 के नहीं कटवाओगे डंडा टैक्स तो 22,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अभी तो पूरी रात चलना पड़ेगा दोस्तों आज भी, क्योंकि आज दिन भर तो पूरा सोए ही हैं। सोया है धूप गुड़ी का बाजार, लाल बत्ती हो गई अभी। और अगर यहाँ को जाओगे तो ये चले जाएगा आपका, क्या बोलते हैं ये किधर जाएगा, एक जाएगा कोच विहार, राइट मार जाओगे तो कोच विहार जाएगा और लेफ्ट का तो पता नहीं, सीधा आपको हमें सीधा जाना है दोस्तों एकदम स्ट्रेट लेवल पर। तो ये धूप गुड़ी का बाजार है दोस्तों, कभी आओ तो आप ऐसे निकल सकते हो दोस्तों। आपका भाई आ गया मदारी हाट के टोल टैक्स पे और यहाँ हमारी गाड़ी को बता रहे हैं ओवर लोड है। मैंने कहा कंटा करा लो भाई, तुम कंटा करा लो उसके बाद देख लेंगे। और कंटे पे लगा दिए दोस्तों गाड़ी, अब देखते हैं क्या। 20 रुपये मांग रहा दोस्तों कंटा करें, देखो कंटे पे लगा दी दोस्तों आपके भाई ने गाड़ी। अब चलते हैं दोस्तों फिर से टोल कटवाते हैं, बैक करके ले जाते हैं। फाइनली दोस्तों आपका भाई आ गया अलीपुरद्वार दोस्तों, ये अलीपुरद्वार का बाजार है देख लो, ये अलीपुरद्वार का बाजार है। और दोस्तों जस्ट थोड़ी सी आगे पे ये गुरुद्वारा है और बगल में आर्मी स्टेशन है, एयरफोर्स का स्टेशन है, मतलब ये बगल में एयरफोर्स का स्टेशन है। आपके कंडक्टर साइड में ड्राइवर साइड आ गया गुरुद्वारा। और दोस्तों ये अलीपुरद्वार का बाजार है दोस्तों, यहाँ चाय मिलती है, चाय पत्ती सस्ते में मिल जाती है दोस्तों, 250 रुपये किलो मिल जाती है। तो चलते ही रहेंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और दोस्तों बारिश हो रही है ना दोस्तों, तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं एंड करते हैं, मतलब अलीपुरद्वार में ही। कल को दोस्तों आपको श्री रामपुर बॉर्डर आसाम में मिलेंगे हम, क्योंकि हमें तो दोस्तों रात भर चलना है, श्री रामपुर बॉर्डर पार करना है दोस्तों। जंगल भी नहीं दिखा पाऊँगा, वैसे जंगल दोस्तों यहीं से लग गया है और ये एयरफोर्स का स्टेशन है दोस्तों, जंगल तो दोस्तों यहीं से लग गया और हमें पूरी रात चलना है। अभी हमारे आगे दोस्तों दो बॉर्डर आएंगे, एक बारहबिस्सा आएगा, एक श्री रामपुर आएगा, दोनों पार कर देंगे दोस्तों हम। और फिर मिलते हैं दोस्तों कल को मिलेंगे आसाम में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, बारिश के चक्कर में दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि रात भी हो गई, दिखने का भी नहीं दोस्तों और ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा। दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों।